आज हमें समझना है ह्यूमन ब्रेन का पावर। स्टूडेंट, सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बात हम ये करेंगे कि ब्रेन का कुछ ऐसा ट्रिक्स है जिसे यूज करके आप और अच्छे से अपना ब्रेन का साइकोलॉजी को यूज करके आप पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जो ब्रेन है हमारा शरीर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, यानी पूरा शरीर का सिर्फ 2% वजन ब्रेन के पास है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरा शरीर का 20-25% ऑक्सीजन सिर्फ ये ब्रेन यूज करता है। सर, ये इतना अलग प्रकार का शरीर का, ये इतना यूनिक मशीन है, लेकिन हम और आप इस चीज को यूज नहीं कर पा रहे। इस ब्रेन को हम कैसे यूज करें, कैसे हम ब्रेन को, खुद का ब्रेन को हाईजैक करें और हम इसे यूज कर पाए, चलिए मैं आपको ब्रेन के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं और ब्रेन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो ब्रेन का रूल है वो है एक्शन। एक्शन ये है एक्टिंग करना। एक्टिंग ये है कि अगर आपका ब्रेन को आप जिस तरीके से स्टिमुलस देते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो सबसे पहले वैसे एक्ट करना शुरू कीजिए। आप एक्ट कीजिए कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा माइंड में डॉक्टर्स के बारे में ख्याल आना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस चीज की तरफ धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। यानी जो ब्रेन है उसका एक सबसे अच्छा, हमें अगर ब्रेन को चीट करना है तो आप ब्रेन को बाहर से वो स्टिमुलस दीजिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं टॉपर बनूंगा, तो आप वैसा बिहेव कीजिए। ये बिहेव करना बहुत जल्दी हो सकता है, जरूरी नहीं बिहेव करने के लिए महीना, 10 महीना, 12 महीना टाइम चाहिए। अब अभी और इसी वक्त आप जो चीज सोचते हैं वैसा एक्टिंग करना शुरू कीजिए। एक्टिंग करने से होता है क्या है कि रिसर्च में पाया गया है, ये प्रूव्ड है कि आप जैसा एक्टिंग करते हैं धीरे 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 आपका शरीर और माइंड उस चीज को अचीव करने के लिए कुछ इस प्रकार उसके तरफ पूरा ध्यान चला जाता है। यानी आप जो चीज करना चाह रहे हैं वैसा एक्टिंग कीजिए। ब्रेन का सबसे मेन चीज ये है कि आपका ब्रेन को आप एक्टिंग करवाइए, आप शरीर में एक्टिंग लाइए। दूसरा बात ये, जो हमारा ब्रेन है वो कुछ भी चीज करता है। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो ब्रेन पूरा आता है, पूरी तरीके से उसका जो इंफॉर्मेशन है वो अगल बगल और इन्वायरमेंट से, यानी मानिए यहां अगर हम ब्रेन को स्टिमुलस देंगे तो उसके हिसाब से ही ब्रेन आउटपुट देगा। यानी आपका ब्रेन का इनपुट मैसेज क्या है यही डिसाइड करेगा कि आउटपुट कहां से आएगा। यानी आप ब्रेन में जिस प्रकार का चीजें डालते जाएंगे उसी हिसाब से आपका ब्रेन धीरे 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 डेवलप हो जाएगा। मैं ये बात बोल रहा हूं कि जो ब्रेन है उसमें आप इंफॉर्मेशन जो डाल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कैसा है उसी हिसाब से आपका ब्रेन वर्क करता है। यानी इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते, जिस माहौल में रहते, वो माहौल किस प्रकार से ब्रेन में खबर भेज रहा है, आपका ब्रेन उसी प्रकार से धीरे 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 डेवलप होते जाता है। तो ब्रेन का दो चीज मैंने आपको बताया, सबसे पहला एक्टिंग। अगर आप एक्टिंग करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे आपको उस चीज के तरफ लेके चल जाता है और आप माइल हो जाते हैं और वो चीज रियल लाइफ में गेन करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात, हम ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं हमें फिल्टर करके डालना चाहिए। यानी जो आप बाहर से चीज डाल रहे हैं वो चीज आपका ब्रेन को डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। यानी आप ब्रेन को क्या दे रहे हैं, आपका अगल बगल किस प्रकार के लोग रहते हैं, कैसा माहौल है, कैसा शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। यानी छोटे लोगों के साथ मत रहिए, कद में छोटे नहीं, जो छोटे छोटे बातें बोलते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन जैसे लोग आप साथ रहते हैं जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है कुछ इस प्रकार वो धीरे 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 डेवलप हो जाता है। यानी जो एक बच्चा पैदा होता है न्यू ब्रेन के साथ, तो उसका बाहर का ही चीज उसको उसी हिसाब से फिर उसका ब्रेन से निकलता है। यानी जो चीज अंदर इनपुट किया जाता है, ब्रेन के अंदर जो डाला जाता है वही ब्रेन उस प्रकार से ढलना शुरू हो जाता है। तो इसका एक प्रूफ मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक जगह एक इंसान को फांसी का सजा हो गया, मारना है, वो क्रिमिनल था। उसको लाया कि भाई जब इसका डेथ होना तय है, इसको मार दिया जाएगा, तो क्यों ना एक छोटा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए। यहाँ पर आप साइकोलॉजी देखिए और ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कितना पावरफुल चीज है। बस इस बात पर आप फोकस कीजिए
उस इंसान को बोला गया कि भाई जब तुझे मारना ही है तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, बड़े काम करते हैं, तुमको सांप से, स्नेक, सांप से डसवा के मारना है। वो एग्री हो गया कि भाई जब मरना ही है कोई बात नहीं। उसको लाया गया और उसका पैर में सिर्फ पिन चुभाया गया, सिंपल पिन, जो सेफ्टी पिन आप बोलते हैं, और वो मर भी गया। और जब उसका पट्टी खोला गया तो उसके बाद वो मरा हुआ पाया, और मजे की बात यह है कि उसका ब्लड में वेनम पाया गया, यानी सांप का, कोबरा का जहर। अब सोचिए ब्रेन कितना पावरफुल चीज है। वो आदमी पहले ही इस प्रकार से अपना ब्रेन को डेवलप कर लिया था कि मुझे कोबरा से डसवाया जाएगा, और इसी कारण उसका ब्रेन इतना पावरफुल मशीन होता है कि उसके अंदर कोबरा का जहर तक बना दिया। बस यही से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि अगर आप कुछ चीजें ठान लेते हैं, मान लेते हैं, बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में जिसके पास ना डिग्री है, जिसके पास बहुत सारा स्किल नहीं है, बट वो ब्रेन को हाईजैक करके वो ब्रेन का साइकोलॉजिकल यूज करते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं, अदानी बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, मार्क जुगरबर्ग फेसबुक का जो मालिक है वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्रेन का यूज करके उन्हें पता है कि हम ब्रेन में जो चीज डालेंगे उसी हिसाब से ब्रेन वर्क करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी चीज में बहुत अच्छा करना है तो सिर्फ एक ही तरीका आपके पास, वो एक्टिंग ब्रेन में उसका इमेज डालिए, ब्रेन में उसके प्रति बातें भरिए। अगर आप चाहते हैं मैं वकील बनूं तो उससे रिलेटेड चीज ब्रेन को सुनाइए, कुछ एक्टिंग कीजिए, इससे क्या होगा धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं स्टेथोस्कोप को शुरू से देखिए, साइकोलॉजी तो यहां तक मानता है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फोटोज लगाइए साइड में, वॉल में, जिस रूम में आप सोते हैं, डॉक्टर्स के बारे में कोर्स पढ़िए, उसके बारे में कुछ देखिए, इससे क्या होगा धीरे धीरे आपका ब्रेन वो चीज को जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में लाने के लिए पूरा जोर लगा देगा। यानी बाहर का इंफॉर्मेशन ही डिसाइड करता है कि हमारा ब्रेन कैसा इनपुट देगा, जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट देगा। तो बच्चों इस चीज को आप स्टडी में यूज